हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। इन दिस लेक्चर वीडियो वी आर डूइंग केस नंबर 6 फॉर द आईटीआर 2 प्रैक्टिस पेपर। तो देखिए, मैंने ये जो केस स्टडी ली है दैट इज फ्रॉम वीके सिंह एनएसआर बुक। एंड पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो देखिए पहले हमें गिवन है इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर फॉर्म 16, बेसिस सैलरी अमाउंटिंग रुपीज 62 लाख, ट्रैवलिंग अलाउंस 27,690, हाउस रेंट अलाउंस एग्जाम एंड चार्जेबल टू टैक्स बोथ अमाउंट इज गिवन टू यू, एंड एडमिट अलाउंस 8,000, प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी टैक्सेबल अमाउंट दैट इज 72,000, कैपिटल गेन हमें दो गिवन है। फर्स्ट कैपिटल गेन दैट इज फ्रॉम सेल कंसिडरेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज 10th of September 2021, that is rupees 30,000. Cost of acquisition in this year, that is 50,000. That means 18-19 May, personal computer purchase kata amounting rupees 50,000. And then the same personal computer sold on this date at rupees 30,000. And I guess aapko achhe se pata hoga that as per the definition of capital asset, personal computer is not a capital asset. राइट, सो ये आपको कंफ्यूज करने दिया हुआ है। डोंट गेट कंफ्यूज, ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। राइट, सो दिस इज विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल गेन। देन कैपिटल गेन नेक्स्ट गिवन है सेल कंसेशन ऑफ गोल्ड। नाउ दिस इज दी, ये क्या आपकी, ऑल दो दिस इज अ पर्सन यूज, बस ये क्या होगा आपका कैपिटल एसेट। डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज 10th ऑफ अप्रैल 2021 हो गई, 2021 सी आई आई दैट इज 371, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ईयर ऑफ गिवन दैट इज 34, एंड सी आई आपको गिवन है 109, अमाउंट रुपीज 8 लाख। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बैंक इंटरेस्ट FDCA दैट इज फ्रॉम SBI नेट ऑफ TDS, दैट मीन दिस अमाउंट इज आफ्टर TDS, सो दैट मीन्स ग्रोस अमाउंट कितना होगा, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 2 लाख। गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम अ फ्रेंड अमाउंटिंग रुपीज 36,000, फ्रेंड से मिला, गिफ्ट से मिला है तो टैक्सेबल होता है, बट कब होता है अगर पूरा एंटायर अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट अगर नॉन रिटिव से मिल रहा हो और 50,000 से एक्सीड कर रहा हो। फ्रेंड से मिला है बट एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। इंटरेस्ट फ्रॉम PNB म्यूचुअल फंड नो TDS दैट इज दिस अमाउंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन सेविंग अकाउंट दैट इज 11,400, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर बाय SSC, RPF कंट्रीब्यूशन 55,000, PPF कंट्रीब्यूशन 86,000, कैश डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट 19,000, NPS 82,000। देखिए कैश डिपॉजिट लिखा है बट इसका इसका कंट्रीब्यूशन जो भी ड्यूरेशन होता है वो मिलता है, बिकॉज जो भी है एक तरह का ये सेविंग अकाउंट के थ्रू होता है, जो भी ये कैश डालोगे अकाउंट में तो जिस अकाउंट में जाएगा वो उस अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। राइट, तो ये इसका जो है डिडक्शन मिलेगा, बट ये तीनों के तीनों आपको किस में जाएगा, 80C में जाएगा। मैक्सिमम लिमिट इज दैट इज 1,50,000। देन TDS बाय एम्प्लॉयर बाय ऑन FD, एडवांस टैक्स बाय SSC, एंड दिस आर दी फॉलोइंग एसेट्स हेल्ड बाय दी SSC। राइट, सो दिस इज दी क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद दी सॉल्यूशन नाउ। आई हैव ऑलरेडी फिल्ड दी बेसिक डिटेल्स, I am directly coming to the salary part, right? So name of the salary, name of the employer is given to you, that is Amar Textile Limited. Nature of the employer, that is others. Ten of the employee, that is this address of the employer, that is code
Now coming to the next salary. First one, that is basic salary, amounting rupees 62 lakh. So basic salary amounting rupees 62 lakh. The next one is, that is traveling allowance, that is 27,690. And next one is HRA and treatment allowance. Okay. So first write house rent allowance कर देते हैं. House rent allowance received by the SSC. इतना exempt है, इतना chargeable है. इतना exempt है और इतना chargeable है. तो दोनों को add करूँगा तो उतना amount क्या जाएगा आपका मिला होगा. देखो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि कितना amount receive करा as HRA by the SSC. Right. So that means receive कितना क्या होगा. सबको दोनों को add करेंगे amounting rupees 62,000. So out of 60,000, 50% exempt and 50% is taxable. Alright. So please don't get confused. So the amount received by the SSC amounting rupees 62,000. Right. Then we need to add two more rows for the Then add here dinner allowance, conveyance. Next one is, that is traveling and entry allowance. Okay. And let's do one thing. कि हम other allowance में डाल देते हैं traveling allowance, that is 27,690. 27,690 and others बना देते हैं entertainment allowance. And यहाँ पर हम mention भी कर देंगे that this is the entertainment allowance. Amounting rupees 8,000. Right, then we have also given, that is profit in lieu of salary amounting rupees 72,000. वो हम यहाँ लिख देते हैं. कुछ mention नहीं है, so ये most probably इसको हम एक तरह का compensation मान लेते हैं. Right, तो amount exam है 72,000. हमें कुछ mention given नहीं कि कौन सा हमें means ये salary के अलावा जो है अब employer अपने employee को क्या provide कर रहा है, means extra क्या pay कर रहा है. तो मान के चल रहे हम ये कंपनसेशन है. राइट, एक एजम्पशन भी इस पर कुछ नहीं है. देन अच्छा, अब हमें देखना है कि इसमें से एग्जेम्प्ट क्या है. एग्जेम्प्ट हमारा, दैट इज एचआरए अमाउंट रुपीज 31,000. राइट, सो एग्जेम्प्ट में लिख देते हैं हम एचआरए आपका था, दैट इज 13A में. Amounting rupees 31,000. Right. और कुछ हमें गिवन नहीं है, बिकॉज एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, प्रॉफिट इन लिए सैलरी इज फुली टैक्सेबल, ओनली द एचआरए पार्ट दैट इज 31,000 एग्जेम्प्ट, रेस्ट ऑफ देम आर fully taxable. That's it. So we have done this. Now validate this sheet is okay. Next is a part of capital gain. Since in this question we have not given the information regarding house rent allowance, so I have already disabled that particular sheet. Right, and aapko pata hai kaise disable karte hain. देखिए कैपिटल गेन में हमने क्या पढ़ा था कि इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें करना है गोल्ड का. पहले देखो कि ये गोल्ड कैपिटल एसेट, राइट, बट कौन से कैपिटल एसेट, बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. तो देखिए इसको कब परचेज किया, दैट इज 3-4 में. सेल कब कर रहे हैं, इन दिस रिलेवेंट पीरियड, दैट इज 21-22. सो ऑब्वियसली दिस इज अ केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. राइट, सो देखिए ये जो आपको कैपिटल गेन की जो शीट होती है, इसमें पहले आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करना है.
तो अगर लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं तो आप नीचे आइए, यहाँ से आपका लॉन्ग टर्म स्टार्ट है। अच्छा, ये कौन सा गोल्ड है पहले एक बार देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर हम एक बार देखिए, फर्स्ट जो पार्ट है LTCG का, किस गिवन है, फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास गोल्ड है। देन ये इसको गिवन है, देन सब उसी के बारे में गिवन है हमें। एग्जम्पशन आपको पता होगा, बट आपको एग्जम्पशन नहीं करना फॉर द एटीआर आर्टिकल। सेकंड गिवन है ऑन द सेल ऑफ बोन्स एंड डिबेंचर्स, ना ये भी हमारा नहीं है। सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये भी हमारा नहीं है। देन सेल ऑफ GDR, ये भी हमारा नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं है। सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये भी नहीं है। फ्रॉम सेल ऑफ, ये भी नहीं है हमारा। यहाँ पर आने देखिए, नाइन्थ में गिवन आपको फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स फ्रॉम B1 to B2 आर नॉट अप्लीकेबल। इसमें गिवन है देखो, इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स एंटर फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पर आपको लिखना है राइट देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, जस्ट अ मिनट, यस आपको ये नाइन्थ पॉइंट में लिखना है। देखिए नाइन्थ पॉइंट क्या है, यहाँ से देखिए करो, फुल वैल्यू कंसीडरेशन रिसीव और इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स। अन देखिए कंफ्यूज मत होना कि सर आप इसमें क्लिक करो, एक्चुअली अनकोटेड मीन्स ये वो एसेट है जिसमें अदर देन शेयर्स हो गए, लिस्टेड शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड डिपॉजिट रिसीट हो गए, सब कुछ हो गए, इनको हटा कर जो कि अदर एसेट बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए जो B1 और B1 है एप्लीकेबल नहीं है, हमें वो लिखना है राइट। तो यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए, फुल वैल्यू ऑफ दी सेल कंसिडरेशन, देखिए हमने बेचा उसको कितने पे था, अमाउंट इन रुपीज 51 लाख, तो वो यहाँ लिखेंगे दैट इज 51 लाख। फिर पूछा इसको हमने कितने पे परचेज किया था, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन करेंगे इसको, कैलकुलेटर लेके देखिए कैरी करना आपको, देखिए कैसे करना है इसको, आपको कितने का परचेज किया था इसको, 3 लाख में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, CII ऑफ दी ट्रांसफर ईयर, जिस ईयर में ट्रांसफर किया, डिवाइड करेंगे हम 1093, दैट इज ईयर ऑफ परचेज। तो ये देखिए अमाउंट आपका कैलकुलेटर से आया, दैट इज ये पूछना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, दैट इज 10,21,101 राइट। सो दिस इज दी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये आपके पास आ गया, दैट इज 40,70,899 राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक बार नो करना है यहाँ पे 10th पॉइंट पे, एक तो नो करना है, एक ऊपर STCG वहाँ पर भी आपको नो करना है 6th पॉइंट में आपको, ठीक है 6th एंड 10th पॉइंट पे आपको नो करना है। देन सबसे नीचे आना है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल से रिलेटेड है। अच्छा आपको पता है गोल्ड पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आपका इस पर आपका ये आपकी कौन सी स्पेशल इनकम बनती है, एंड इस पर रेट क्या था, 30 20%। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ऑलरेडी आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 20%, इतना आपको गेन हुआ था यहाँ पर आ गया। बट आपको यहाँ देखना, देखो यहाँ पर आपको लिखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। आपको देखना है कि कौन से ईयर में आपने सेल किया था, कौन से मंथ में आपने, देखो डेट ऑफ मंथ कौन सा, दैट इज सेप्टेम्बर, तो यहाँ पर हम सेप्टेम्बर के हिसाब से देंगे, दैट मीन्स लिखा हुआ अप टू 15 जून, 15 सेप्टेम्बर, ये कौन सी डेट है, 10th, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेम कॉपी लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है वही हम लिखेंगे यहाँ पर राइट, दैट इज 4078899, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना वो, बस सिंपली ऊपर आइए एंड इसको शीट को वैलिडेट कर दो, शीट इज ओके, दैट्स इट।
then go to next. Now this is ready to other sources. Other sources देखिए हमें क्या given था. Bank interest FD है से है एंड ये नेट अमाउंट है तो दैट मीन्स ग्रोस अमाउंट कितना होगा 2 लाख. तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिपॉजिट से आया दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 2 लाख राइट. देन गिफ्ट इज एग्जम्प्ट हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन पीएमडी म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्ट कटी दोनों को एक साल देते हैं ये आएगा 14,550. तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 14,550 राइट. दैट्स इट. और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है सो लेट्स वैलिडेट दिस शीट. वैलिडेट शीट इज ओके. नेक्स्ट इसको आपको करना है कैलकुलेट सेट ऑफ. ओके वैलिडेट नेक्स्ट. यहाँ पर देखिए 80 डीज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है. 80 डीज इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड आपको पता है आप इसको डिसेबल कर भी सकते हैं. तो आपको क्या करना है जस्ट लिख दो नॉट क्लेमिंग. हम क्लेम ही नहीं करना चाह रहे बिकॉज हमारे पास कंप्लीट गिवन ही नहीं. सेम फॉर पेरेंट्स दैट्स इट. वैलिडेट ओके नेक्स्ट. ये हमारा हो गया है. अब हम आएंगे चैप्टर 6A में आएंगे दैट इज रिलेटेड टू डिडक्शन. RPF है दैट इज 55,000. PPF है 86,000. सो कितने से हमारे देखा हूँ दिस वन तीनों को ऐड कर देते हैं कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है दैट इज 1,60,000. 80 सी में आ रहा था 160 तो यहाँ लिखो कि 160 ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा 150. इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर लिखा हुआ है NPS में 82,000. NPS में 82,000 तो करना क्या था आपको कैसे करना है. आपको पता है कि NPS में 80 CCD 2 में जाएगा पहले अमाउंट 50,000. तो 50,000 पहले आने दे क्यों 82,000 डिपॉजिट किए. इसके बाद जो रिमेनिंग जो आपका रह गया अमाउंट दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 32,000 वो आप यहाँ लिखोगे. अब देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी. सॉरी मैंने उल्टा कर दिया. सॉरी यहाँ होगा 50,000 यहाँ पर कुछ नहीं होगा. सॉरी यहाँ लिखना है आपको 32,000 ऑलराइट. देखिए आई रिपीट NPS में जो कंट्रीब्यूशन हुआ जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा जो फर्स्ट 50,000 है वो तो यहाँ पर जाएगा 1B में. उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा दैट इज 30,000 वो यहाँ लिखना है. अगर 32,000 मान लीजिए इसका ये 150 ऑलरेडी सेटअप हो चुका है इसलिए यहाँ पर ये अमाउंट नहीं लाया है. बट मान लीजिए यहाँ पर होता 140 तो 10,000 की आपको यहाँ पर भी डिडक्शन मिल जाती. जैसे देखिए मैं सिर्फ आपको ये चेक करने दिखा रहा हूँ. मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ सपोज 140,000 राइट. तो देखिए यहाँ पर 10,000 यहाँ पर आ गया तो टोटल 1.5 लाख आपको मिल गई. सिमिलर देखिए मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर कर दूँ सपोज 120 तो देखिए 30,000 यहाँ पर आ गए तो 1.5 लाख अपना बना लेगा ये ठीक है. बट अभी के लिए हमारे पास कितना है 160 तो 160 लिखेंगे हम. तो यहाँ पर 1.5 लाख आ गया यहाँ पर अब इसकी मिलेगी नहीं बट इसकी एडिशन मिलेगी अंडर सेक्शन 1B में ऑलराइट. देन अगर आपको सना समझा रहा हो तो एक बार इसका NPS का सेक्शन CCD 1B का मेरा वीडियो अच्छा देख लो जहाँ मैंने अच्छे से इंट्रोड्यूस समझाया हुआ है. देन और कोई एडिशन आएगी. हाँ जी आएगी दैट इज 82 TTB. तो TTB में देखिए अमाउंट कितना आएगा. TTB में आएगा देखिए हमने अदर सोर्सेज में जो भी अमाउंट लगाया देखिए अदर सोर्सेज में उसके लिए अमाउंट कितना था. अदर सोर्सेज में आपको पता है कि अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो उसको जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा हो कहीं से मिल रहा हो सारा का सारा उसके लिए एग्जेंट अप टू रिडक्शन मिलती है अप टू 50,000. तो देखिए 2 लाख रुपये तो उसको फिक्स डिपॉजिट मिला बाकी रिमेनिंग उसको सेविंग बैंक म्यूचुअल फंड से मिला तो दोनों को ऐड कर देंगे अमाउंट कितना हुआ 2,14,550. तो पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे 6A में पूरा ही लिख देंगे दैट इज 2,14,550. बट मिलेगी कितनी
मैक्सिमम अमाउंट रुपीज 50,000, दैट्स इट। अब इसको हम करेंगे वैलिडेट, शीट इज ओके, नेक्स्ट। नाउ दिस इज रेडी टू द एसेट्स एंड लायबिलिटी डिटेल्स। हमें दे रखा है सिर्फ ज्वेलरी गिवन हमें, सो हमें इमोलेस्ट की गिवन नहीं है, सो जस्ट सिंपली मेक इट नो। अच्छा हमारा टाइम पास हो गया। ज्वेलरी में लेनी सिर्फ सिर्फ कॉस्ट वैल्यू दैट इज 30,000, और कुछ नहीं उसके पास, सो बस लिखेंगे यहाँ पर 30,000 एंड रिमेनिंग का लिखेंगे हम जीरो। दैट्स इट, वैलिडेट नाउ, ओके, नेक्स्ट। नाउ पुट अप दी बैंक डिटेल्स हियर, डिटेल्स आपको गिवन है बैंक डिटेल्स, सो यहाँ पर इसको टिक कर देंगे एंड आफ्टर एडिंग दी बैंक डिटेल्स। जैसे बैंक डिटेल्स पुट अप करोगे नीचे आना है आपको, इसकी बस को आपको करना है नो, इसको करना है आपको नो एंड देन सिंपली स्ट्रेट वे अप, पहले इसको आप वैलिडेट करो, शीट इज ओके एंड जाओ आप नेक्स्ट पार्ट पे दैट इज लास्ट शीट पे। अच्छा पहले इसको हम BSR कोड जो भी एडवांस टैक्स है वो पे कर देते हैं, एडवांस टैक्स वैलिडेट, शिट इज ओके, नेक्स्ट। देन पुट द डिटेल्स ऑफ द TDS, नेम ऑफ द एम्प्लॉय दैट इज अमन टेक्सटाइल लिमिटेड, सैलरी में जाके देखेंगे कितना अमाउंट टैक्सेबल है, अमाउंटिंग रुपीज 62,88,690, टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉय अमाउंटिंग रुपीज 18,55,000। Then TDS deducted by bank self ट्वेंटी थाउजेंड, ग्रोस अमाउंट 2,00,000, हेड इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वैलिडेट, शीट इज ओके, नेक्स्ट। Coming to the last, put the father's name. Now, after this, coming back to part B.
देन फर्स्ट कैलकुलेट टैक्स, देन आंसर टैली करो सब अपना, दिस इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, देन हाउसहोल्ड कुछ है नहीं, इनकम फ्रॉम LTCG जिस पे 20% टैक्स लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दिस इज द GTI, एंड दिस इज द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी दैट इज 10,93,950, दैट्स इट, राइट। सो दिस इज द केस स्टडी, केस नंबर 6 फ्रॉम बी के सिन्हा बुक, एंड आई गेस आपको अच्छे समझ आया होगा। मेक श्योर कैपिटल गेन भी आपको करना है, कैपिटल गेन ईजी है, बस आपको सब कुछ तो गिवन होगा, CII ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में सेल करा या जिस ईयर में परचेस करा, हाँ बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं है, बाकी तो कैपिटल गेन काफ़ी इसमें इजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑलराइट, थैंक यू।